सबसे प्रेरणादायक कहानियां सबसे कठिन संघर्ष से निकलती हैं। हमने कभी ऐसी लड़ाई देखी नहीं और ना कभी ऐसी लड़ाई होगी। इतने एक दिन में 114 आदमियों ने 1310 आदमी मार गिराए। उनके शस्त्र हमसे अधिक भयंकर थे, जिसको फायर पावर कहते हैं, ऐसी आग उगलते थे, लेकिन उस आग उगलने में भी हम टिके रहे। जो उनके पास गोली भी बची तो कि 5 या 7 गोली बच गई, गोली भी चालें तो कितनी चालें, 3:30 बजे से सवेरे का 6:45 हो गया। अब हमने से नहीं तो जवानों ने बट की लड़ाई चली। सबसे सम्मान वाली जिंदगी मौत के मुंह से निकलती है। 2 चीनियों को पकड़ा इन्होंने और पकड़ने के साथ उनका सर टकरा दिया आपस में इतनी जोर से कि वो दोनों वहीं धराशायी हो गए। सिंहराम ने आदमी को दबाना वाला सिंहराम ने आदमी को उठा कर यूं फेंक दिया है, उठा उठा कर। सबसे अविश्वसनीय जीत हार के गर्त से निकलती है। हमें मना भी किया कि इस पोस्ट को छोड़ दो और हमने कहा ये पोस्ट नहीं छोड़ेंगे, मर जाएंगे लेकिन हम इस पोस्ट को नहीं छोड़ेंगे। अगर ये पोस्ट छोड़ दिया तो हमारी हालात बदल जाती, क्योंकि हमारा कश्मीर कट जाता। वो पोस्ट इतना ही इम्पोर्टेंट पोस्ट है जो कि रिजांगला। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। वीरता की जो गाथा हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है। 1962 में हार के किस्से आपने सुने होंगे, लेकिन उस हार के बीच जो जीत मिली उसकी दास्तान हम आपको सुनाएंगे। दास्तान मेजर शैतान सिंह और उनके वीर योद्धाओं की। ये कहानी एक परमवीर की नहीं है, ये कहानी है 120 परमवीरों की, जिनका सामना खुद से मजबूत दुश्मन से था, 10 गुना ज्यादा सैनिकों से था, बेहतर हथियारों से था, विश्वासघात से था। दोस्ती के नारों के बीच आजादी के बाद से ही भारत और चीन में 2 सरहदों पर विवाद था, एक जम्मू कश्मीर का अक्साई चीन इलाका, दूसरा पूर्वोत्तर में नीफा यानी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी जो अब अरुणाचल प्रदेश का इलाका है। सालों के गतिरोध के बाद अक्टूबर 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया था। वो युद्ध हिंदुस्तान केवल सैनिकों की वीरता और इच्छा शक्ति के बूते लड़ रहा था, क्योंकि न तो हमारे पास ऐसे हथियार थे जो चीन के सामने टिक सकते थे, हथियार तो छोड़ दीजिए, ऐसे कपड़े नहीं थे जो उतनी भीषण ठंड से बचा सकते, बंकर नहीं थे, टेंट नहीं थे, सूती यूनिफॉर्म में कैनवस जूते पहनकर एक पतली सी स्वेटर या जैकेट से सैनिकों को माइनस की ठंड झेलनी पड़ रही थी। चीन दिनों तो क्या, घंटों में पलटन की पलटन साफ करता हुआ, युद्ध बंदी बनाता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था। पर कहते हैं ना, घनघोर अंधेरे में रोशनी की एक किरण भी उम्मीदों के सवेरे से कम नहीं होती। लद्दाख में सैनिकों की एक कंपनी रोशनी की ऐसी ही एक किरण बन रही थी। मेजर शैतान सिंह और उनके 13 कुमाऊं की चादली कंपनी। रिजांगला की ऊंचाई पर उनकी अदम्य वीरता का किस्सा सुनाने से पहले इस इलाके के युद्ध को समझ लेते हैं। दरअसल लद्दाख में पहला हमला 20 अक्टूबर को ही हुआ था। उस मोर्चे पर चीन हावी रहा। लद्दाख की पहाड़ियों के पूरब में केवल चुशूल एक ऐसा इलाका बचा था जहां भारत का नियंत्रण अब बाकी था। चुशूल में एक महत्वपूर्ण हवाई पट्टी थी। माउंटेन वॉरफेयर में एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात होती है कि जो व्यक्ति, जो फोर्स, जो भी सोल्जर्स हाइट पर होते हैं, ऊंचाई पर, वो जीत करते हैं। क्योंकि युद्ध क्षेत्र में अगर आप अपने शत्रु से केवल 20 फुट ऊपर हैं तब भी आप उसको मार सकते हैं,
इसलिए चुशूल का जो महत्व है, चुशूल एक जंक्शन पॉइंट बनता है उसको। उस इलाके तक पहुंचने के लिए चीन की नजर रिजांगला पर थी, जो कि चुशूल से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर था। 16,000 फीट की इस ऊंचाई पर नियंत्रण का मतलब होता इलाके में दबदबा। सही मायने में चुशूल हिंदुस्तान के लिए नाक का सवाल बन चुका था। मेजर शैतान सिंह और उनके सैनिक यहां 24 अक्टूबर को तैनात किए गए थे। वातावरण में ढलने में उन्हें वक्त लग रहा था। यहां इतनी ठंड थी कि कच्ची सब्जियां और फल जमकर पत्थर बन जाते। चाय बनाने के लिए पानी उबालना हो तो एक घंटा लग जाता था। सांस दो शब्द में ही फूल जाती थी। ऐसी ठिठुरन भरी ठंड थी कि दांत से दांत बचते थे, और आप यदि सांस ले रहे तो कभी कभी लगता था कि हमारी नाक से बाहर निकलते सांस भी जम जाती है। भारतीय तोपखाने और रिजांगला के बीच एक पहाड़ी थी, लिहाजा रिजांगला को न तो आर्टिलरी सपोर्ट था, न ही सैनिकों की दूसरी टुकड़ियों से कोई मदद मुमकिन थी। इससे उलट सामने कोई पहाड़ी नहीं थी, यानी वो चाहे बंकर बनाने की कोशिश करें या पोजीशन लें, चीन साफ साफ देख सकता था। युद्ध शुरू हुए करीब एक महीने का वक्त बीत चुका था। ठंड और भीषण हो चुकी थी। 17 नवंबर की रात बर्फीला तूफान आया, और जब तूफान खत्म हुआ तो मुश्किल से 600 मीटर की दूरी तक नजर आता था। तूफान के बाद की खामोशी फिजाओं में थी, लेकिन इसी खामोशी में एक और तूफान की आहट भी थी। मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में 120 जवान केवल अपनी इच्छा शक्ति की बदौलत 16,000 फीट की उस ऊंचाई पर डटे थे। अभी दिन का उजाला हुआ नहीं था और धुंधलके में आगे बढ़ती रोशनी नजर आने की खबर मिली। टुकड़ी ने फौरन पोजीशन ली और करीब आते ही दनादन गोलियां बरसानी शुरू कर दी। लेकिन जल्द ही उन्हें समझ आ गया कि ये केवल पहली पंक्ति थी जिसमें याक के गले में लालटेन लटकाकर आगे भेजा गया था। देखा तो हमारे पीछे दुश्मन करीब 800-900 की नफरी में घोड़ा याक को लेकर के और स्क्रीन के ऊपर हथियार लगाने की कोशिश कर रहा। उन दिनों भारतीय सैनिकों के पास केवल कपड़ों और टेंट की कमी नहीं थी, बल्कि असलहे की भारी किल्लत थी। चार्ली कंपनी के जवानों के पास 303 राइफल थी और 600 राउंड गोलियां। पूरी कंपनी के पास कुल 6 लाइट मशीन गन थी, गिने चुने 2 इंच मोर्टार थे। चीनी सैनिकों के पास इस मोर्चे पे 7.62 mm सेल्फ लोडिंग राइफल थी, मीडियम मशीन गन, लाइट मशीन गन 120 mm, 81 mm, 60 mm मोर्टार, 132 mm रॉकेट, 75 mm और 57 mm की रिकॉयललेस बंदूकें जिससे बंकर भी नष्ट हो सकते हैं। चीन की कोशिश ये थी कि जल्द से जल्द सैनिकों का गोला बारूद खत्म करवा दे। उसे उम्मीद थी कि असलहा खत्म होते ही उस मोर्चे पर युद्ध सिमट जाए। 303 एक ऐसी बंदूक होती है जिसमें एक बार में एक ही गोली लोड की जा सकती है। उस गोली को फायर किया जाता है और उसके बाद जो उसका खोखा होता है उसे बाहर निकालकर फेंकना होता है। आप सोचिए कि युद्ध की स्थिति में रफ्तार पर कितना असर पड़ता होगा, और खासकर तब जब सामने जो दुश्मन है उसके पास सेल्फ लोडिंग राइफल्स हों। उस पर -30 डिग्री की ठंड में बिना दस्तानों की गोलियां लोड करते रहे, कल्पना ही। चीन की पहली पंक्ति के आते ही यह आभास हो गया था कि बड़ा हमला होने वाला है। सैनिक ठिठुरती रात में पोजीशन लिए उजाले का भी इंतजार कर रहे थे और दुश्मन का भी। हालांकि ये अंदाजा किसी को नहीं था कि 120 भारतीय जवानों का सामना करने के लिए चीन 2,000 सैनिकों के साथ आया था। मेजर शैतान सिंह जानते थे कि स्थिति नाजुक है। उन्होंने अपने अधिकारियों को रेडियो संदेश भेजा। रिजांगला पर चीनियों ने हमला कर दिया है, हमें रिइंफोर्समेंट चाहिए, ओवर। इस वक्त मुमकिन नहीं है, रिइंफोर्समेंट नहीं भेज पाएंगे, ओवर। आप चौकी छोड़कर पीछे हट जाइए, ओवर।
पर जोधपुर के राजपूत मेजर शैतान सिंह भाटी के लिए पीछे हटना मुमकिन नहीं था। उन्हें मालूम था कि वक्त कम है, चीन के सैनिक कभी भी चोटी पर पहुंच सकते हैं। उन्होंने अपने सिपाहियों को बुलाया और कहा, चीन के सैनिक किसी भी वक्त यहां पहुंच सकते हैं। हम 120 हैं, दुश्मन की संख्या हमें मालूम नहीं, हो सकता है वो हजारों हो सकता है हमारे गोला बारूद कम पड़ जाए। पीछे से भी हमें कोई सहायता नहीं मिल सकती, कोई रिइंफोर्समेंट यहां नहीं आ रही। हो सकता है हम में से कोई नहीं बचे, हो सकता है हम सब शहीद हो जाएं। आप में से जिस किसी को अपनी जान बचानी है वो पीछे हटने के लिए आजाद है, लेकिन मैं मरते दम तक मुकाबला करूंगा। वो जो ब्रिगेड वहां पर डिप्लॉयड था, जिसके कमांडर थे उस समय ब्रिगेडियर रैना, जो बाद में जनरल रैना के रूप में चीफ बने, उनको था कि युद्ध करो, आवश्यकता हो तो पीछे भी हट सकते हो, प्राण जाए पर वचन न जाए। वचन दिया है देश की रक्षा के लिए, वचन दिया है कि हम पीछे नहीं हटेंगे, तो फिर हम पीछे कैसे हट सकते हैं। टेलीफोन द्वारा, जब तक टेलीफोन की लाइंस बम्बार्डमेंट में कटी नहीं, और रेडियो सेट, पुराने रेडियो सेट्स होते थे, उनकी बैटरी जम जाने के बाद कम्युनिकेशन बंद हो जाता था, परंतु वो सेक्शन टू सेक्शन, प्लाटून टू प्लाटून जाकर अपने जवानों को मोटिवेट करते रहे और उनका मनोबल बढ़ाते रहे। मेजर शैतान सिंह अगर राजपूत थे तो उनकी टुकड़ी एक अहीर कंपनी थी। बहादुरी की कोई कमी नहीं थी। एक एक वीर ने अपने अफसर के हुंकार से हुंकार मिलाई। मैं दादा कृष्ण के बेटे पोते तैनात है रजांगला, वीर अहीर आने नहीं देंगे वहां, क्योंकि हमने कमांडर को कह दिया था हम पोस्ट नहीं छोड़ेंगे। हमने पोस्ट एक महीने में तैयार किया है, हम दुश्मन से मुकाबला करेंगे। अब रणनीति बनाने की बारी थी। किसी को ये तो नहीं पता था कि चीनी सैनिक कितनी तादाद में हैं, लेकिन इतना सबको मालूम था कि गोलियां कम पड़ जाएंगी। इसीलिए यह फैसला लिया गया कि निशाना लगे तो सटीक लगे, दुश्मन के मरते ही उनके बंदूक छीन लिए जाएं, और जहां तक मुमकिन हो सके गुत्थम गुत्था की लड़ाई हो। चीन को उम्मीद थी कि भारतीय सैनिक अब तक पोस्ट छोड़कर भाग चुके होंगे, पर उसे मालूम नहीं था कि उनका सामना शैतान सिंह और उनके वीरों से। चीनी सैनिक तो भारतीय बंदूकों के निशाने पर थे। सुबह के करीब 5 बजे थे जब हिंदुस्तानी सैनिकों ने चीनियों पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। कुछ ही देर में हर तरफ बस दुश्मन की लाशें बिछी पड़ी थी। पहली लहर, दूसरी लहर, तीसरी लहर। तो पहली लहर पर जब हमने विजय प्राप्त कर ली, उनको मार गिराया, तो मेजर शैतान सिंह ने अपने सैनिकों से कहा कि ये मत समझना कि युद्ध का अंत हो गया है, ये तो पहली लहर थी, अभी ये फिर आएंगे। और वही हुआ, वो फिर आए और चीन के 1310 आदमी वहां पर लेट आउट बिछा दिए 3000 आदमियों में से। दुश्मन को पीछे धकेल दिया गया, पर वो दोबारा बढ़ा। गोलियां अब लगभग खत्म थी, इसीलिए चीनियों के करीब आने का इंतजार किया गया। जब बिल्कुल ही नजदीक आ गए, फायर करते करते जवानों के पास गोली भी बची तो 5 या 7 गोली बच गई, गोली भी चालें तो कितनी चालें, 3:30 बजे से सवेरे का 6:45 हो गया। कहाँ से इतना अमुनेशन आएगा जवान के पास? फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन अमुनेशन टोटल 100 समझ लीजिए, और छोड़ करके 125 समझ लीजिए, तो अमुनेशन कहाँ तक चले? हमारा ऑपरेशनल ऑर्डर जो बटालियन से मिला था वो था लास्ट मैन लास्ट राउंड, यानी कि अमुनेशन भी खत्म हो जाए और आदमी भी खत्म हो जाए, जंग खत्म नहीं होगी। नजदीक आने पर बेनेट से उन्हें मारने के लिए हिंदुस्तानी जवान कूदे, पर चीनियों के जैकेट इतने मोटे थे कि बेनेट भी नहीं भेद पा रहा था। कंपनी के जवान हरियाणा के रहने वाले, वो पहाड़ों और ठंड के आदि तो नहीं थे, पर बेहद तगड़ी कदकाठी के थे। जब बेनेट ने असर नहीं किया, तब इन्होंने हाथों से चीनियों को एक एक कर मार गिराना शुरू किया। वो अट्टे कट्टे तो इंसान थे, यहाँ गाँव में भी कबड्डी कुश्ती होती थी, तो अच्छा नाम करके आते थे ये, क्योंकि ये सब रेवाड़ी के थे और अहीर थे,
यदुवंशी थे और इनमें कूट कूट कर वो भावना भरी थी कि हमें युद्ध करना है। जमेदार सिंह राम और उनके भाई इसी कंपनी का हिस्सा है। दोनों पहलवान थे और अब युद्ध भूमि पर उनका चेहरा चीनियों के लिए काल का चेहरा बन चुका था। वो एक एक हाथ में दो चीनियों को गर्दन पकड़कर उठाते और सर फोड़ फोड़ कर मार डालते। देश रक्षा का जज्बा जुनून बनकर सवार हो गया था इन योद्धाओं पर। पापा जी के नाम से जब गोलियां खत्म हो गई थी तो पापा जी ने क्या किया कि नाम से अपनी बंदूक से बटों से उसको मारना शुरू किया। जब बट टूट गए, जब उसने अपने चीनियों को पकड़ पकड़ के और फाड़ फाड़ के फेंकने लगा। मैं देख रहा हूँ पकड़ करके आपस के अंदर चाइनीज को सिर ऐसे और बाहर आए और दो चीनियों को पकड़ा इन्होंने और पकड़ने के साथ उनका सर टकरा दिया आपस में इतनी जोर से, पहलवानी जोर से, कि वो दोनों वहीं धराशायी हो गए और उनकी मृत्यु हो गई। अपने सैनिकों की हालत देखकर चीन को समझ आ गया कि रेजांगला आसान नहीं होने वाला। ताकत और संख्या में अधिक होने के बावजूद वो महज 45 मिनट में पीछे धकेल दिए गए। अब चीन ने अपनी रणनीति बदल दी। सैनिक फिर संगठित हुए और रेजांगला पर जबरदस्त बमबारी शुरू कर दी। जवाब में भारत की तोपें चली तो अपने ही जवानों पर गोले गिरने लगे। आर्टिलरी का फायर नहीं था क्योंकि ऊंचे बड़े जो रेजांगला के आगे पहाड़ थे उससे आर्टिलरी फायर क्रेस्टेड था। हमने अपने आर्टिलरी से फायर मारा। पहला गोला आया वो हमारे ऊपर ही आके पड़ गया। मैं सामने का फायर बंद करा था। हिंदुस्तानी सैनिकों को केवल अपने जोश का सहारा था क्योंकि रेजांगला पर तो बंकर भी नहीं थे और दुश्मन रॉकेट दागे जा रहा था। मेजर शैतान सिंह अपने हर प्लाटून को प्रेरित कर रहे थे कि वो लड़ते रहे। इस बीच उन्हें हाथ में गोली भी लग चुकी थी। मैं और मेरे साहब कमांड पोस्ट से निकले ही थे तो बम्बारमेंट एकदम हैवी फिर आ गया। बम गिरा कमांड पोस्ट के बाद कमांड पोस्ट हवा में उड़ गया था। स्प्लेंडर मेरे साहब के आकर के कंधे में लगा था। कोट काट को फाड़ता हुआ चला गया। मैंने फौरन पट्टी फील्ड पट्टी निकाली अपनी और मैंने मेरे साहब लग चोट लग गई। अरे बोलो बात तो लग गई, चोट तो लग गई, लेकिन ये तो चोट लगने की जगह है बोलो कैसे? ये सिनेमा घर नहीं है रामचंद्र, ये तो चोट लगने की जगह है। रामचंद्र यादव चार्ली कंपनी के रेडियो ऑपरेटर थे। तीनों प्लाटून और हेडक्वार्टर से जानकारी उनके पास ही आती थी। वो और निहाल सिंह मेजर शैतान सिंह के सबसे करीबी थे। उन्होंने मेजर शैतान सिंह से वहां से निकल जाने के लिए विनती की पर शैतान सिंह अपने जवानों का साथ छोड़ना नहीं चाहते थे। पीछे हटने का भी ऑर्डर दिया गया। कंपनी कमांडर ने बोला भाई ऐसा ऑर्डर मगर नहीं साहब, ये कभी नहीं हो सकता। जब हम एक अपनी माइंड को छोड़ देंगे जैसे देहात में अपने खेत की को, तो दूसरा उस माइंड को छोड़कर फिर अंदर आ जाए। उसी पोस्ट पर पूरी कंपनी जमी रही। टुकड़ी का हर सैनिक अकेला 10-10 दुश्मनों को यमलोक पहुंचा रहा। इस बीच मेजर शैतान सिंह को फिर गोलियों की बौछार रही, इस दफा उनके पेट में। लेकिन एक बार फिर उन्होंने मैदान छोड़ने से इनकार कर दिया और वहीं से दुश्मन से लोहा लेते रहे। अब ब्रस्ट लगने के बाद तो मेरे साहब को आपको हालत क्या होती है ये तो आप जानते हैं, एकदम जी नहीं कहता। और बोला रामचंद्र, मैंने कहा हाँ साहब, बोलो साहब क्या बात हुआ? बोल भाई पेट में बहुत ज़्यादा दर्द है, बहुत ज़्यादा दर्द होगा। अब मैं तो समझ गया तो मैं हाथ डाल के देखा तो मेरे साहब की आंखें निकले। सूबेदार रामचंद्र और एक और साहब, उन दोनों ने फिर उनको थोड़े से देर उठाने की कोशिश करी। उन्होंने कहा नहीं, मेरे को मशीन गन हाथ में पकड़ा दो और आप लोग जाओ। शैतान सिंह जानते थे कि ये लड़ाई जीत पाना संभव नहीं। 2000 चीनियों के आगे 120 जवान कब तक टिक सकते थे? पर वो ये भी जानते थे कि अगर सारे सैनिक शहीद हो गए तो कभी कोई नहीं जान पाएगा कि रेजांगला में क्या हुआ।
के बोल मेरी एक बात सुन, मैंने कहा आप फौरन बटालियन हेडक्वार्टर में चले जाओ, सीओ साहब को बताना कि कंपनी इस तरीके से लड़ी है। मैंने सोचा कि मेजर साहब को क्यों नहीं अपनी गोदी में बांध में भर करके और ये 15 अगस्त रूलअप कर जाऊँ। बजरी थी लेकिन वहाँ 5 गज पहुँचना बहुत कठिन था क्योंकि उधर से दुश्मन आ रहा है। जो ही वो निकले मौका मिला, मैंने मेरे साहब को फट लिया है, उठाया और उठा करके जहाँ कॉर्नर था पहाड़ का वहाँ आ गया। दोनों हाथों में लगी गोलियों और छर्रों से बोझिल शरीर के साथ शैतान सिंह लगातार लड़ते रहे, पर शरीर से रिश्ते खून ने उन्हें बेहोश करना शुरू कर दिया था। अर्पुन सिंह चना मेडल और देखो बंद, लेकिन एक चीज का ध्यान कर लीजिए कि मेजर साहब की और डॉक्यूमेंट की जिम्मेवारी। मैंने कहा साहब डॉक्यूमेंट मैंने ठीक 6:45 जला दिया पूरा, आप चिंता मत करो। रही मेजर साहब की, अगर जिंदा रहा तो मेरे साहब को दुश्मन को नहीं दूंगा मैं, अगर मैं जिंदा नहीं रहा तो फिर मेरे बस की बात। उसके नीचे बिल्कुल बजरी है साहब, बिल्कुल प्योर बजरी, पत्थर का नाम निशान नहीं, 1 किलोमीटर तक। मैंने मेजर साहब के सीधा करा, सीधा करके सीधा लेटा, बांध भरी और लपाना शुरू कर दिया। मैंने कहा मेजर साहब चंद सेकेंड का ये कि मैं देख लिया मेजर साहब बच नहीं सकता। वहाँ से करीब 500 गज हमने ऊपर तले दुश्मन के 7 प्लाटून से लाइट मशीन फायर कर रही, लेकिन हम नीचे में गोलियां ऊपर से जा रही, क्योंकि उसको पता है कोई खास ही आदमी को लेकर जा रहा है ये। मैं वो पत्थर के पास में लिटाया। मेजर शैतान सिंह आखिरी सांस तक युद्ध भूमि नहीं छोड़ना चाहते थे, पर वीरता के इस भगवान की सांसें अब साथ छोड़ रही थी। सवेरे का हो गया 8:15, 2 मिनट बाकी थी। मैंने उस पर डाले नजर मेरे साहब के हाथ के ऊपर घड़ी चल रही थी और ठीक 8:15 तो घड़ी की नबज मेरे साहब बिल्कुल सही हो चुका था। मैंने कहा भाई मेरे साहब तो गया, क्योंकि वो जब तक चलती तो जान थी और वो बंद हो गई तो जान है ही नहीं, कि घड़ी उसकी चलती थी नबज से। 13 कुमाऊं की इस पराक्रमी पलटन के अब केवल 14 जवान जिंदा बचे थे, इनमें भी 9 गंभीर रूप से जख्मी थे। पर हिंदुस्तान के मुट्ठी भर मतवालों ने 1300 चीनियों के प्राण छीन लिए थे। चीनी सेना के लिए आगे बढ़ पाना संभव ही नहीं था। वंदे मातरम में हम आपको रिजांगला की लड़ाई की कहानी सुना रहे हैं, जहां पर भारतीय सैनिकों की वीरता ने चीन को पीछे हटने को मजबूर कर दिया था। मेजर शैतान सिंह के आदेश का पालन करते हुए रामचंद्र यादव हेडक्वार्टर के लिए निकल गए थे। वो चीनियों की नजरों से बचते बचाते वहां तक पहुंच तो गए, लेकिन सामने देखा तो इमारत से धुआं निकल रहा था। दरअसल रेजांगला पर छिड़ी भीषण लड़ाई के बाद बटालियन हेडक्वार्टर में एहसास था कि चीनियों को रोक पाना संभव नहीं है। लिहाजा अपनी पोजीशन छोड़ने से पहले वहां रसद में आग लगा दी गई ताकि कुछ भी दुश्मन के हाथ में न पड़े। वहां से आकर के देखा तो नीचे तो आग लगा रखी, आदेश मिल गया पलटन से कि स्टोर में को आग लगा दो, सब कुछ कर दो, पीछे आ जाओ। मैंने कहा अब तू कहाँ जाए। मायूस रामचंद्र समझ ही नहीं पा रहे थे कि करें तो क्या करें, लेकिन तभी उन्होंने सामने से आती एक जीप देखी। जीप आकर के वो रुकती है, रुकते के बाद भी
देखा है कि तो हमारा जवान है, तो वो फौरन जीप को मेरे पास ले आए, बोलो रामचंद्र। मैंने कहा, मैंने कहा भाई देखो कंपनी तो शहीद हो चुकी है। रिजांगला के खूनी जंग से जिंदा लौटे एक जवान की जुबानी पूरा किस्सा सुनने को सभी बेताब हो गए, लेकिन ये सच अविश्वसनीय था। लिहाजा रामचंद्र का सच समझने के लिए एक पूरी कमिटी बैठी, इसमें रेड क्रॉस का एक अमेरिकी नुमाइंदा भी शामिल था। और बच्चे तेरे कोर्ट मार्शल हो जाएगा, अब कोर्ट मार्शल तो बहुत बड़ी चीज होती है साहब, सब कुछ डिसमिस हो गया, अब कोर्ट मार्शल हो गया, घर से भी गया, हो से भी गया, लेकिन मैंने एक ही जवाब दिया, जो लड़ा है उसका कोर्ट मार्शल नहीं हो सकता साहब, आप देखिए ना, कोर्ट मार्शल होगा तो मेरा होगा। मैंने कहा आप देखो पोस्ट के ऊपर, हम लड़े हैं तो हम कहेंगे कि मारा है हमने, अगर बगैर मारे हैं हम आपको कैसे कह देंगे, कैसे आप बार बार हमें कह रहे हैं कि कोर्ट मार्शल हो जाएगा, कोर्ट मार्शल हो जाएगा, हम लड़ाई लड़े हैं, हम बैठे नहीं। रामचंद्र यादव के गुस्से को समझना आसान नहीं है। ये एक ऐसे सैनिक का गुस्सा था जिसने अपनी आंखों के सामने अपने साथियों को खून के आखिरी बूंद तक लड़ते हैं। अफसरों का अविश्वास उन्हें वीरता से छल लग रहा था। उस वक्त उन्हें भी नहीं मालूम था कि रामचंद्र की बातों की तस्दीक करने के लिए एक और सिपाही जिंदा था, पर चीनियों की कैद। निहाल सिंह चीनियों की पकड़ में तब आए जब रिजांगला की लड़ाई से लौटते हुए चीनी एक एक कर चेक कर रहे थे कि कहीं कोई भारतीय जिंदा तो नहीं बचा हुआ है। तभी उन्हें एक लाइट मशीन गन पोजीशन से कुछ हलचल सुनाई दी। दाहिने और बाएं वालों ने दोनों ने मिलकर मेरे मोर्चे पर हमला कर दिया पीछे से। जब मैंने लमजी का टर्न यूं किया तो एक गोली इस हाथ में लग गई, एक इसमें लग गई। निहाल सिंह के दोनों हाथों में एक एक गोली लग चुकी थी। उनके पास दो ग्रेनेड अभी भी बचे हुए थे, पर गोली ऐसी जगह लगी थी कि हाथ हिला पाना मुमकिन ही नहीं था। उन्होंने बहुत कोशिश की लेकिन ग्रेनेड का पिन निकाल नहीं पाए। काफी देर हो गया तो दुश्मन फिर ने सोचा भाई क्या बात है, ये तो कोई हरकत नहीं आ रही, अब हरकत तो तब हो ना जब हाथ कामयाब हो। तुम्हारा नाम क्या है? निहाल सिंह। फिर मेरे मोर्चे में आए और फिर मेरे को उन्होंने पकड़ कर बाहर निकाला मोर्चे से, और फिर नाम पूछा, व्हाट इज योर नेम? मगर सर नहीं, निहाल सिंह अपना नाम बता दिया, हमारे शेर साहब का, कमांडर साहब का, इनका। मगर नो नो, हम लोग हमें कुछ नहीं मालूम। चीनी सैनिक निहाल सिंह को अपने साथ ले गए। उनके अलावा चार और भारतीय जवान युद्धबंदी बनाए जा चुके थे। हालांकि न तो निहाल उनके बारे में जानते थे, न ही वो निहाल के बारे में। चीनियों ने निहाल सिंह की मरहम पट्टी की, उन्हें खाने के लिए भी दिया। घायल निहाल सिंह को शुरुआत में तो ये मेहमान नवाजी अच्छी लगी, लेकिन अचानक उन्हें यह एहसास हुआ कि वो ये क्या कर रहे हैं। तुम्हारा नाम क्या है? निहाल सिंह। रोटी खाई थी दोपहर में 17 तारीख को, शाम को तबीयत खराब होगी, रात को लड़ाई होगी, कैसा रोटा था क्या काम किया? एक वो जो हमारे चाय के साथ खाते हैं ना केक सा, इतना मोटा सा मूँगफली का इसका वो निकाला और मेरे मुंह में दिया, बोला खाएगा ऐसा, तो मेरे मुंह में दिया, मैं भूखा तो था ही, मैं ये गला उसका काट ले, मेरे ऐसे नहीं उठा, यहाँ पर हथेली पर रख दिया उसने वो, बाकी का उसको कितना लंबा था। दिमाग में एकदम से भगवान ने वो समझ दी कि क्या कर रहा है, मैंने उसको भी डाल दिया और वो मुंह में था ना उसको भी बाहर फेंक दिया, बाहर फेंक दिया। दिन के वक्त निहाल नजरें बचाकर पूरा इलाका समझने में लगा, रात को दिमाग में इन बातों का विश्लेषण करते। उन्हें समझ में आया कि जहां दिन में हर ओर सैनिक ही सैनिक रहते हैं, रात में केवल दो संतरी पहरा देते हैं।
वो संतरी मेरे पास खड़े हो जाए और फिर थोड़ा यहाँ से खड़े हो गए, थोड़ा सा 10 कदम दूर हो जाए, 15 कदम दूर हो जाए, इस तरह से अपना बातचीत करते रहे। उनके बातचीत तो हमारी समझ में आती नहीं थी। पीछे हटा और थोड़ा सा दूर हटकर ना मैं फिर बाई दाहिने तरफ से ना अपने सख्त रास्ते से पहाड़ पर ऐसे स्लोप पर सख्त वाले से थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता चला। फिर थोड़ा सा फासला होने पर मैंने और तेजी जैसा कर सका वैसा किया। अंधेरी रात में केवल दिशा को महसूस करके निहाल सिंह आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि उन बर्फीली चोटियों पर यह समझना भी मुमकिन नहीं था कि भारत की सीमा कहां से शुरू होगी। इस बीच चीन को जैसे ही आभास हुआ कि निहाल सिंह बंकर में नहीं है, उन्होंने फ्लेयर से रोशनी करनी शुरू कर दी। तो एक बार फायर किया, फिर दोबारा भाई कहीं रोशनी में दिखाई दे जाए। हमने कोट पार्का का अस्तर जो से सफेद था और एक तरफ ने हरा, तो सफेद बर्फ में वो अस्तर सफेद वाला था, तो समझना तो नहीं पड़ा कि ये बर्फ है या जवान है। मैं आवाज होते ही उस पर बैठ गया रात उस पर पहाड़ में। अपने जख्मों से कराहते, भूखे प्यासे, दुश्मन से छिपते निहाल सिंह अब चोटी पर पहुंच चुके थे। तभी उन्हें सामने से आता एक कुत्ता दिखा, जो पिछले एक महीने से उनकी टुकड़ी के पास खाने की तलाश में आया करता था। अंदाजा लगाया मैंने, फिर उसका नाम निकाल रखा था हमने, टोमिन। मैं बोला मेरे को जानकारी ज्यादा होगी, मैं राशन पानी जाता था ना हेडक्वार्टर में। उस वक्त उस कुत्ते की मौजूदगी भी निहाल सिंह को गजब का सुकून दे रही थी, लेकिन साथ ही एक ख्याल उन्हें झकझोर गया। कुत्ता अगर इतनी ऊंचाई पर आया था तो इसका एक ही मतलब था, नीचे उसे खाने को कुछ नहीं मिला, यानी बटालियन हेडक्वार्टर भी नहीं बचा। उनका ये डर सही निकला। ये तो कुछ नहीं है नीचे भी, इसका मतलब साफ है काम। बटमास्टर नीचे से सामान पहुंचता था ना, तब वहां पर भी कुछ नहीं था। तो मैंने बोला मैं हाँ बैठो में चल। करते करते हम पगडंडी पर पहुंच गए। पगडंडी पर पहुंचने पर मगर चलो अब शांति हो गई, अब रास्ता तो मिल गया मुकम्मल। जब मैं एक बार चले तो पगडंडी पर कुत्ता एक बार तो रुका और फिर बाद में कुत्ता चला गया। निहाल सिंह आज भी सोचते हैं कि कुत्ते के रूप में शायद ईश्वर ने ही उनकी मदद के लिए किसी फरिश्ते को भेजा था। निहाल आगे बढ़ते रहे खौफ ज़दा कि जहां वो चल रहे हैं कहीं वहां चीनियों का कब्जा तो नहीं हो जाता। हमारी गाड़ियां आ रही थी हमारे वो सर्च करने के लिए, तो मैं ये आदमी तो हैं लेकिन अब ये अंदाजा नहीं मका कहीं चीन के हों और फिर फंस जाए आया हुआ। तब मैं वो सुबदार साहब ने दूरबीन से देखा, दौलतराम साहब ने बोला भाई ऐसा करो, जवानों को बोला भाई ये आदमी तो मेरे को अपना लगता है और दूसरा आदमी यहाँ पर कौन आएगा, बोले इसको अपने अपनी भाषा में हेला मारो। आवाज आई फिर मगा हाँ अब आ गया अपने अपने आदमी है। निहाल सिंह को बताया गया कि 13 कुमाऊं की उनकी चार्ली कंपनी ही पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। वो एक अजीब सा दिन था, रिहाई और जिंदगी की खुशी थी पर सब कुछ खत्म हो जाने का पहाड़ जैसा गम भी था। रिजांगला की लड़ाई 18 नवंबर को लड़ी गई थी और उसके 3 दिन बाद ही चीन ने युद्ध विराम का एक तरफा ऐलान कर दिया था। अभी भी ये कोशिश चल रही थी कि किसी तरीके से रिजांगला का सच मालूम किया जा सके। और जब निहाल सिंह ने अफसरों को अपनी आंखों देखी बताई, अपनी आप बीती बताई, तब जाकर उन्हें यकीन हुआ कि रामचंद्र यादव जो कह रहे थे उसका एक एक शब्द सच था। अब तक चीन ने भी अपनी आधिकारिक रिपोर्ट में यह स्वीकार कर लिया था कि 62 के युद्ध में उसे सबसे ज्यादा नुकसान रिजांगला के मोर्चे पर हुआ। इस बीच युद्ध खत्म हुए 3 महीने गुजर चुके थे।
जीवन धीरे धीरे सामान्य हो रहा था। लद्दाख की चोटियों पर बर्फ पिघल रही थी। एक गड़रिया अपने भेड़ चराने के लिए रिजांगला की ओर जा रहा था। वहीं एक बड़ी सी चट्टान की ओट में उसे सेना की वर्दी में कोई नजर आया। उनका 3 महीने तक कोई पता ही नहीं पड़ा, जैसे अभी सोए हैं। बर्फ 18 फीट ऊपर बर्फ आ गई थी, हमने तो यही सुना था। अब वो बर्फ गलने के बाद में उन्होंने वहाँ से उनको ढूंढ के निकाला सभी को, और 114 आदमियों का तो वहीं पर दाह संस्कार किया गया ससुर में ही। पिताजी को जोधपुर लाया गया, उनकी डेड बॉडी को जोधपुर उनका दाह संस्कार हुआ था। गड़रिये की खबर के बाद जब सेना वहां पहुंची तो उनकी आंखों के सामने रिजांगला की उस सुबह की समूची तस्वीर नाच गई। एक एक योद्धा उस दिन भी अपनी अपनी बंदूकें थामे ग्रेनेड पकड़े ऐसे बैठा था मानो लड़ाई चल रही है। हर योद्धा के सीने पर जख्म थे, पीठ पर खरोंच भी नहीं। और हमारा कोई आदमी ऐसा नहीं था, अभी भी कोई आदमी रिकॉर्ड में नहीं था, ना कभी आदमी के किसी को जितने 114 के ना पीठ में गोली किसी के नहीं। उस समय तो बहुत बर्फ गिरी, सब कुछ जम गया। हमारे सैनिक जो वीर गति को प्राप्त हुए थे वो भी बर्फ में जम गए। वो उसी अब मुद्रा में थे, उसी अवस्था में थे जैसे युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। वो अफसर भी गया था जिन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया, वो जनरल भी गए थे, 9 जनरल थे, कर्नल तो 12-13 होंगे। और जब पोस्ट पे चढ़ा और जब जवान को देखा कि जवान ऐसे बम फेंका हाथ में ही जिंदा है और छाती में बस लगा हुआ है, तो भावुक हो गया। ब्रिगेडियर 3 रैना जो बाद में चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ इंडिया का बना, भावुक होगा। उंगली एक आंख थी, इतना रोया को वो आंख निकल के जमीन में गिर गई। हिम्मत राखिए, आप ही के तो बच्चे थे, इन्होंने ही तो बचाया है हिंदुस्तान को। रिजांगला की अविश्वसनीय कहानी यहाँ पर भी खत्म नहीं होती है। किस तरीके से पीढ़ियों की बहादुरी को प्रेरित किया वीरता के भगवान शैतान सिंह ने। रिजांगला शूरवीरों का तीर्थ है। 18 नवंबर 1962 को इतने वीरों ने वहां पर अंतिम सांस ली कि वहां की मिट्टी, वहां की हवा अमृत हो गए। मेजर शैतान सिंह के पार्थिव शरीर को उनके घर जोधपुर भेजा गया जहां उनकी अंत्येष्टि हुई। रिजांगला के बाकी वीरों को वहीं पर पूरे सम्मान से अंतिम संस्कार किया गया। आज भी रिजांगला शौर्य का सबसे बड़ा स्मारक है। 114 शहीदों की यादों को समेटे वहां वीरों की प्रेरणा पंक्ति अंकित है। इससे अच्छी मृत्यु और कहां, जब वीर योद्धा वो हो गए अपने पूर्वजों की चिता भस्म और देव मंदिरों की रक्षा। भारतीय सैनिकों के अदम्य साहस से चीन इतना प्रभावित हुआ था कि रिजांगला की लड़ाई से लौटते समय सम्मान के रूप में चीनी सैनिकों ने जमीन पर अपनी राइफलें उल्टी गाड़कर उन पर अपनी टोपियां रख दी। आप इस बात का अंदाजा लगाएं, एज ए मार्क ऑफ रिस्पेक्ट जहां उसकी बॉडी पड़ी हुई थी सिंग्राम की, चाइनीज ने उस बॉडी के चारों तरफ अपने बैनर उल्टे करके जमीन में एज ए मार्क ऑफ रिस्पेक्ट सिंग्राम को लगाए। चाइना ने हमको अटैक किया अरुणाचल प्रदेश में, लेकिन कुछ लोगों की बहादुरी के कारण में अखबारों में निकलते थे, सरकार से ये सोच रहे थे कि उनके बारे में क्यों न लिखा जाए। शहीद शहीद उन्हीं ये सूझा जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। उन्होंने कहा लता चलो तुमको पंडित जी बुला रहे हैं, तो मैंने कहा कुछ गलत बात की है, मैंने कोई ऐसा काम किया है जो मुझे पंडित जी क्यों बुला रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं तुम चलो तो सही देखते हैं। मैं गई तो पंडित जी के आंखों में पानी था और मुझे कहा
कि बेटा तुमने आज मुझे बुलाया। मेजर शैतान सिंह को उनकी वीरता के लिए मरणोपरांत परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया। 8 सैनिकों को वीर चक्र से नवाजा गया, 4 को सेना मेडल मिला, 13 कुमाऊं को बैटल ऑनर रिजांगला और थिएटर ऑनर लद्दाख से सम्मानित किया गया। पर हम ये समझते हैं कि रिजांगला का हर योद्धा परमवीर था। हम उन सभी योद्धाओं को नमन करते हैं, अपनी श्रद्धांजलि देते हैं। रिजांगला की कहानी तब तक जारी रहेगी जब तक हमारे देश में, हमारे दिलों में वीरों के लिए सम्मान है। वंदे मातरम।